अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोगों के लिए बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ा सालन जिसका नाम है सब्ज़ी गोश्त। इसमें मैं इस्तेमाल कर रही हूँ मटन का गोश्त, आप चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक काम कर चुकी हूँ, इसमें जो चीज़ें मैंने इस्तेमाल की हैं सब्ज़ी के लिए वो यहाँ पर है। इसमें पालक इस्तेमाल की है मैंने, दैट्स स्पिनिच। उसके बाद मैंने इसमें डाला था सोया, दैट्स डिल। और मेथी जो होती है, दैट्स फेनिग्रीक लीव्स। तो वो मैंने इसमें तीनों को पहले अच्छी तरह काट कर वॉश किया और उसको थोड़े से पानी में मैंने बॉईल कर लिया और उसको मैंने ग्राइंड कर यहाँ पर रख लिया। तो ये काम मैं कर चुकी हूँ। और उसके बाद बीच में जाएगा प्याज, इसे आपने जो है ग्राइंड कर लेना इनटू पेस्ट। टमाटर भी आप इसको भी ग्राइंड कर लें पेस्ट में। अदरक और लहसुन का पेस्ट है, दैट्स जिंजर गार्लिक पेस्ट। भुना कुटा ज़ीरा, दैट्स ड्राई रोस्टेड क्रश क्यूमिन सीड्स। गर्म मसाला मेरा होम मेड है। पिसी हुई लाल मिर्च, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट हो गया, नमक, हल्दी है, टर्मरिक। यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं इसमें दही और हरी मिर्चें मैंने जो है दोनों को ग्राइंड करके रख ली। सो दैट्स योगर्ट एंड ग्रीन चिली। घी में बनाएं, तेल में बनाएं, देसी घी में आपकी अपनी चॉइस पर है। आपको दिखाते हैं इसको बनाना कैसे। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookwithfaiza.net पर ले जाएगा। मैं इसे बना रही हूँ एक्चुअली तेल में। तो यहाँ पर तेल हो चुका है गरम, इसमें आप ऐड करेंगे जो कि प्याज का पेस्ट हमने बनाया हुआ है। साथ ही बीच में जाएगा इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट। फ्लेम हाई पर रखें और आपने इसको अच्छी तरह यहाँ पे इतना फ्राई करना है कि जो इसका कलर है वो बादामी कलर की तरफ हो जाए। जितना ज़्यादा इसको आप फ्राई करेंगे उतना ही ज़्यादा जो है ये परफेक्टली जो है यहाँ पर इसका कलर चेंज हो जाता है। तो ये देख लें, यहाँ पर जो है प्याज अच्छे से यहाँ पे सुनहरे रंग की तरफ आ चुकी हुई है। आप इसमें गरम मसाले देख रहे हैं, माय मिस्टेक, सॉरी। मैं आपको एक्चुअली शुरू में दिखाना भूल गई थी, लेकिन जब आप रिटर्न रेसिपी देखेंगे इंशाल्लाह उसमें आपको हर चीज़ वहाँ पर लिखी हुई नज़र आएगी। लेकिन यहाँ पर मैं आपको फिर भी दिखा देती हूँ कि जो मैंने इसमें इस्तेमाल किया था वो साबुत ज़ीरा, लौंग, काली इलायची मोटी, सब्ज़ इलायची, दालचीनी और काली मिर्चें, ये मैंने इसमें डाली थी प्याज अदरक लहसुन के साथ। उसको अच्छे से मैं यहाँ पे फ्राई कर ली है। अब जो है इस पर आपने जो ऐड करना है वो है, इसमें जाएगा टमाटर पिसा हुआ बिल्कुल ग्राइंड किया हुआ, हल्दी, नमक, पिसी हुई लाल मिर्चें और भुना कुटा ज़ीरा। तमाम चीज़ों को डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें और फ्लेम हाई पर रखें और उसको इतना पकाना है कि यहाँ पर जो टमाटर का पानी वो खुश्क हो जाना चाहिए और तेल दोबारा सरफेस पर आ जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपका मसाला जो है वो लग रहा है तो आप यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं पानी नहीं ऐड कर रही हूँ क्योंकि टमाटर काफ़ी ज़्यादा पानी छोड़ता है। तो ये किसको अच्छे से यहाँ पर भून लें और फिर आपको नेक्स्ट दिखाते हैं। ये देख लें, यहाँ पर जो है तेल आ गया सरफेस पर और मसाला तैयार हो गया। इसमें अब आपने ऐड करना है जो कि आपको मटन दिखाया था, इसे डालें और फ्लेम हाई पर रखें और आपने जो है यहाँ पर इसको इतनी अच्छी तरह यहाँ पर फिलहाल टमाटर के साथ भूनना है हाई फ्लेम पर कि जो गोश्त का कलर है वो आप देखेंगे कि अच्छा से जो है वाइट की तरफ आ जाना चाहिए। तो देख लें, अच्छी तरह मैंने इसको यहाँ पर जो है इस मसाले में भूना था गोश्त को, तो इसका कलर परफेक्टली चेंज हो गया। फ्लेम आप हाई पर रखते हैं। अब आपने जो है इसमें ऐड करना है जो कि आपको बताया था मिक्सचर दही और हरी मिर्चों का, ये आप इसमें डालेंगे। फ्लेम दोबारा आपने हाई पर रखनी है और आपने इसे इस दही और हरी मिर्चों के मिक्सचर में भी अच्छे से भूनना है, यहाँ तक कि आप देखेंगे कि जो है तेल जो है सरफेस पे आ जाना चाहिए। तो ये कि फ्लेम हाई पर कर लें और उसको अच्छे से यहाँ पर भून लें। तो ये देख लें, यहाँ पर तेल आ गया सरफेस पर। इसमें अब आप ऐड करेंगे पानी, ठीक है, और पानी ऐड कर लेने के बाद आपने फ्लेम को रखना है बेसिकली हाई पर। जैसे इसमें जोश आया था आपको बहुत दफ़ा बताया, तब आप इसे कवर करेंगे और लो टू मीडियम पर रखकर इतना कुक करेंगे कि जो मटन है आपका कम्प्लीटली टेंडर हो जाना चाहिए, डन हो जाना चाहिए और फिर उसके बाद तेल जो है आ जाना चाहिए सरफेस पर और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो ये देख लें, यहाँ पर मटन जो है कम्प्लीटली डन हो गया, तेल आ गया सर्फेस पर। इसमें अब आप ऐड करेंगे जो कि हमारी बॉइल्ड सब्जी हैं, तमाम को उसमें ऐड कीजिए, अच्छी तरह मिक्स करें और फ्लेम को आप नीचे फिलहाल हाई पे रखेंगे और आपने इसको अच्छी तरह इस गोश्त के मसाले के साथ में भूनना है और फिर बाद में इसको दम पर रखेंगे। तो ये कि इसको अच्छी तरह पहले मिक्स करें और अच्छी तरह भून लें तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर। तो ये देख लें, यहाँ पर अच्छी तरह इसको भून लेने के बाद आपने जो है
इसके ऊपर डालना है गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला डालकर अब आपने इसको बिल्कुल दम पर रख देना है कवर कर लो फ्लेम पर अबाउट 7 to 8 मिनट, 7 से 8 मिनट के लिए। अपने से करते हैं हम डिश आउट। दम दे देने के बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं गर्मा गर्म, रोटियाँ हो, पराठा हो, या फिर अगर आप चाहें तो तड़के वाले चावलों के साथ भी इसका बहुत मज़ा आता है। रिटन रेसिपी जो है आपको नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाती है, और अगर आपको कंप्लीट रिटन रेसिपी चाहिए इंग्लिश में तो वो आपको मेरी वेबसाइट पे मिलेगी विच इज़ cookwithfaiza.net पर। ज़रूर बनाइए, आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएँ, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएँ।